एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी। गर्मी का टाइम आ गया है तो हम घर के ही कुछ सामान से आइसक्रीम बनाएंगे और उसका फ्लेवर एकदम मार्केट की तरह होगा। यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध लिया है, ये कच्चा दूध है, मैंने इसे गर्म नहीं किया है। इसका हमें मलाई नहीं निकालना है, नहीं तो आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पे मैंने 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये वनीला फ्लेवर का है, आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें काजू और बादाम है, उसे मैंने चॉप कर लिया है। तो पहले हम बटर स्कॉच बनाएंगे। मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है, इसमें हम 4 टेबल स्पून के करीब चीनी डालेंगे। 1, 2, 3, 4 इसे हम चलाते हुए मेल्ट करेंगे। ये देखिए हमारा चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया है। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे नहीं तो हमारी चीनी जल जाएगी। ये देखिए हमारा चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पे हम अपने ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और 1 टेबल स्पून घी या बटर भी डाल सकते हैं आप इसकी जगह। इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे हम। आप इसे आइसक्रीम के साथ या इस तरह भी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये हमारा अच्छे से तैयार है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे हम। मैंने यहाँ स्टील का एक प्लेट लिया है, इसमें मैंने घी लगा लिया है, इसे हम इसी तरह से छोड़ देंगे। ये 4 से 5 मिनट में सेट हो जाएगा। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपना आइसक्रीम का बेस तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, इसमें से हम थोड़ा सा दूध बचा लेंगे और सारे दूध को इसमें डाल देंगे। मैंने अलग दूध निकाला है, इसमें हम अपने कस्टर्ड को डाल देंगे। इसे हमें गर्म दूध में नहीं डालना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, जिससे कि कोई लम्स ना रहे। तो ये हमारा अच्छे से घुल गया है। तो चलिए अगले प्रोसेसिंग पे, अब हम दूध को गर्म करेंगे। यहाँ मैंने गैस पे दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें एक उबाल आने तक इसे हम पकाएंगे। दूध हमारा बॉयल होने लगा है तो इसे हम इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब इस स्टेज पे हम चीनी डाल देंगे, ये 1/3 कप है। मैं वीडियो में आगे बताऊंगी कि ये चम्मच से नापे तो कितना होता है। हमें अब चीनी के साथ इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। अगर हम इसे पकाएंगे नहीं तो आइसक्रीम जब हम जमाएंगे आइस क्रिस्टल जम जाएगा, जो कि हमारे आइसक्रीम का टेस्ट खराब कर देगा। इस वजह से हमें चीनी को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। ये देखिए दूध पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है, तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और ये अपना कस्टर्ड वाला दूध इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से एक बार चला लेंगे क्योंकि कस्टर्ड नीचे बैठ जाता है, हम लगातार चलाते रहेंगे। अब ये देखिए दूध गाढ़ा होने लगा है, इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। ये तैयार है, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे हम चलाते हुए कुछ देर के लिए ठंडा करेंगे। जब ये नॉर्मल हो जाएगा तब इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। इसमें हमें आइस नहीं जमाना है, बस इसे हमें ठंडा करना है। जब तक हमारी आइसक्रीम ठंडी हो रही है तब तक हम बटर स्कॉच को क्रश कर लेते हैं। हम इसे निकाल लेंगे, ये इजीली निकल जाता है। ये देखिए आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन बैग लिया है, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक में भी इसे डालकर इसे तोड़ सकते हैं। इसे पैक कर देते हैं, इसे बहुत ज़्यादा हमें क्रश नहीं करना, बेलन की मदद से इस तरह से। ये देखिए मैंने इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर दिया है, तो हमारा बटर स्कॉच तैयार है। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी आप आइसक्रीम बनाए उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है, ये मेरा घर का बना हुआ है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो इसकी जगह मलाई का भी यूज कर सकते हैं। हम इसे मिक्सर से फेटेंगे, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था जिससे कि अच्छे से चिल्ड हो जाए। मार्केट में अमूल का या कोई भी ब्रांड का व्हिपिंग क्रीम इजीली मिल जाता है, आप वहां से भी ले सकते हैं। ये देखिए इसे हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमने इसे फ्रिज में रख दिया था और ये ठंडा हो गया, हमें इसे आइस नहीं जमाना था। तो हम ये दोनों को मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। यहाँ मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं। इससे हमारी आइसक्रीम एकदम स्मूथ सी बनेगी।
इसमें क्रीम को भी डाल देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस लिया है, आप इसकी जगह कोई भी फ्लेवर का एसेंस डाल सकते हैं या तो फिर छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ डाला है, इसे हम कुछ सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है क्योंकि हमने इसमें व्हिपिंग क्रीम घर की बनी हुई डाली है। अगर इसे हम ज़्यादा फेंटेंगे तो वो घी छोड़ देगा जिससे कि हमारे आइसक्रीम अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से, इसका टेक्सचर देखिए। हम इसे एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बटर स्कॉच जो हमने बनाया था इस पर हम अच्छे से फैला देंगे और इसे अच्छे से टैप कर देंगे। इस तरह से इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे जिससे कि ये अंदर तक चला जाए। ऊपर से थोड़ा सा फिर से ये बटर स्कॉच फैला देंगे। इसके ऊपर से थोड़ा सा हम सिल्वर पेपर से इसे अच्छे से रैप कर देंगे जिससे कि कोई भी आइस क्रिस्टल ना हो हमारे आइसक्रीम में, और इसे हम बंद कर देंगे। इसे 5 से 6 घंटे या ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड मैंने इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख दिया था। ये देखिए हमारे आइसक्रीम अच्छे से जेट हो गए हैं, तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। ये देखिए कितने स्मूथ है। अगर आपके पास स्कूपर नहीं है तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं या स्पून से भी निकाल सकते हैं। तो हमने घर के ही सामान से बनाया है और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो आप सबसे पहले देख सके। मैं इसी तरह से और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूंगी। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 1/3 कप चीनी का मतलब ये जो मैंने नॉर्मल सा चम्मच लिया है, सबके घर होता है ये वाला चम्मच। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह बड़ा चम्मच चीनी लिया है, और जो हमने 1/4 कप कस्टर्ड, इसे भी मैं आपको स्पून से नाप के बता देती हूँ। उसी स्पून से 1, 2 ये 3 टेबल स्पून है। तो अगर आपके पास ये कप नहीं है, मेजरमेंट अपने किचन के स्पून से भी कर सकते हैं।